मित्रों लोग कहते हैं कि आप उधर इतने सीरियस क्यों रहते हैं, इतने उदास क्यों रहते हैं, लेकिन आज मैं अपनी उदासी का कारण आपको बताता हूं। बात उस समय की है जब हम उस फजीते को लेने गए थे, यानी पत्नी को लेने गए थे पहली बार, और मैं क्योंकि अध्यापक रहा हूं, आपको गणित की भाषा में समझाता हूं, आप समझ जाएंगे कि मेरे उदासी का कारण क्या है। कि जब लेने उसको गए थे हम तब सोचा और विचारा था, जब लेने उसको गए थे हम तब सोचा और विचारा था, कुछ वो किस्मत की मारी थी, कुछ मैं हालात का मारा था। हम एक सीट पर बैठ गए, कुछ ये अनुपात हमारा था, वो 3/4 पर आधी थी, मैं 1/4 पर सारा था। वो 3/4 पर आधी थी, मैं 1/4 पर सारा था। और एक कारण और भी है, पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन कम पढ़ जरूर है। मैंने सोचा अध्यापक होने के नाते कि चलिए खुद पढ़ा देते हैं, तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इतना भी पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी पढ़ जाएगी। देखिएगा, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कम पढ़ पत्नी को लिखना सिखाया, खत खूब समझाया, कौन शहर का निवासी हूं। कम पढ़ पत्नी को लिखना सिखाया, खत खूब समझाया, कौन शहर का निवासी हूँ। ऊपर तो लिख देना प्राण प्यारे प्राणनाथ, और नीचे लिख देना चरणों की दासी हूँ। थोड़े रोज बाद पत्र मेरे पास डाल दिया, थोड़े रोज बाद पत्र मेरे पास डाल दिया, आपके बिना भी देखो कितना उदासी हूँ। ऊपर तो लिख दिया प्यारे चरण दास मुझे, और नीचे लिख दिया प्राणों की मैं प्यासी हूँ, और नीचे लिख दिया प्राणों की मैं प्यासी हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, दिल्ली में बहुत सारे कानून बनते रहते हैं। एक बार कानून बना था कि 15 साल पुराना ये गाड़ी में चलेगी, 20 साल पुराना वो जी चलेगा। तब मैंने एक छंद लिखा था, तब आप आनंद लीजिएगा, देखिएगा। एक रोज बीवी बोली तुम संग तंग होली,